नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की आगे की कड़ी। पिछली कड़ी में अपन ने देखा कि दुर्गादास औरंगजेब के पुत्र शहजादे अकबर को दक्षिण के अंदर संभाजी शिवाजी के शासन में पहुँचा देता है और महाराष्ट्र में रायगढ़ नामक जगह पर संभाजी की शरण के अंदर चला जाता है। ये दुर्गादास के साहसी होने के साथ दुर्गादास के वाक् चतुर्यता अर्थात बुद्धिमत्ता का उदाहरण है, जिसने औरंगजेब के बेटे को मराठों से मिलवा दिया और उसने ये पक्का निश्चित कर लिया था कि अब औरंगजेब की ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति मराठों को दबाने या कुचलने के लिए उनकी तरफ रहेगी और उसका ध्यान मारवाड़ मेवाड़ से हट जाएगा। इस मामले में दुर्गादास बहुत ही अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं और इसी समय बताया जाता है कि मेवाड़ के साथ लंबे युद्ध से बादशाह तंग आ गया था। उधर महाराणा जयसिंह भी संधि के लिए उत्सुक था, फलस्वरूप श्याम सिंह के मध्यस्थ हो जाने से दोनों शक्तियों में सुलह हो गई। सुलह की शर्त यह रखी गई कि महाराणा राठौड़ों को सहायता न दे। अनुमान होता है कि इसी समय के आसपास सोनिंग आदि राठौड़ अजीत सिंह को उदयपुर अर्थात मेवाड़ से हटाकर सिरोही वाले इलाके में ले गए, जहाँ कुछ वर्षों तक कालिंद्री गाँव में गुप्त रूप से पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के यहाँ रहे और अजीत सिंह का लालन पालन उसी जयदेव के यहाँ हुआ। एक समय ऐसा था जब मुगलों का मारवाड़ में पूरा आतंक स्थापित हो सकता था, परंतु शहजादे अकबर के मराठों से जाकर मिलने से औरंगजेब के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया, जिससे उसने अपनी अधिकांश शक्ति दक्षिण में मराठों के विरुद्ध लगा देनी पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि मारवाड़ पर मुगलों का दबाव ढीला पड़ गया और राठौड़ों ने जहां तहां उपद्रव आरंभ कर दिए। जिस समय बादशाह महाराणा से सुलह कर दक्षिण जाने की तैयारी में था, उसी समय एक खबर आई कि उसके प्रधान सेनापति तहवर खां को मारे जाने के पीछे उसके तालुके का बादशाही सेवक मेड़तिया मोहकम सिंह कल्याण दासोत, जो तोशिणे का स्वामी था, उसने मार डाला। बादशाह जब उसको दंड देने के लिए प्रयत्न किया तो वो राठौड़ सोनिंग से जाकर के मिल गया। इसके बाद पूरे मारवाड़ के अंदर जो थाने बिठाए थे औरंगजेब ने, उनके ऊपर एक एक करके आक्रमण होने लगे, जिसके अंदर सभी थाने जैसे डीडवाणा, मेड़ता और जालौर के कई ठिकानों पर जो थे, जोधपुर के कई ठिकानों पर जो मुगलों के थाने थे, उनके ऊपर लड़ाई शुरू हो गई और उनको लड़ाई करके वो वापस पहाड़ों में भाग जाते थे और मुगल सेना के थाने वैसे ही देखते रह जाते थे। अब औरंगजेब का मिशन मराठों की तरफ लग गया था और वह मराठों की तरफ आक्रमण करने के लिए आतुर हो चुका था। इन आक्रमणों के चलते कई बार थाने के जो बनाए थे अधीक्षक औरंगजेब ने, वो पेशकशी देकर के भी शांति की स्थापना करने की कोशिश करते थे। उसी समय मेड़ते के पास मोहकम सिंह मेड़तिया ने, जेतारण के पास उदावत जगराम ने, सारण की तरफ से उदय सिंह ने झगड़े किए। इस पर बादशाही अफसरों ने मोहकम सिंह को तोशिणा, जोधा उदयबान, मुकंदासोद को बादरा जून की 84 में अधिकार दे दिया। इस बीच खेवकरण, आसकरणों, तेजकरण, दुर्गादासोत आदि के साथ एकत्र होकर फलौदी की तरफ लूटमार की। चांपावत सावत सिंह और बाटी राम वगैरह ने गांव बवाल को लूटा। अर्थात कुल मिलाकर जो बादशाही सैनिक जो थाने बनाकर बैठे थे उनसे शांति नहीं हो सकी और मारवाड़ के छोटे छोटे राजा मिलकर के उनके थानों को ध्वस्त करने लग गए। उधर अन्य सरदारों ने जोधपुर सोजत के बीच बहुत सारे गांवों को लूटा और बैलाल खां से लड़ाई होने पर सावत सिंह, जोगीदास, विठल दासोत, राठौड़, हिम्मत सिंह, सकत सिंह, सुंदर दासोत, राठौड़, बिहारी दास आदि लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने जगह जगह दंगा फसाद करते रहे, लेकिन इसमें मुगल सेना का कोई प्रबंध नहीं रहा और औरंगजेब भी इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका, क्योंकि औरंगजेब की मुख्य शक्ति थी उसको दुर्गादास ने मराठों की तरफ मोड़ दिया था। अब औरंगजेब का सपना दक्षिण पर राज करना और दक्षिण में मिले हुए अकूत खजाने को जीतने का हो गया था। इसलिए मारवाड़ के अंदर शाही व्यवस्था चरमरा गई थी और इस प्रकार औरंगजेब जोधपुर को खालसा नहीं कर सका। धन्यवाद दोस्तों, इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप पढ़ रहे हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताब जोधपुर राज्य का इतिहास भाग सेकंड। धन्यवाद दोस्तों।